दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिले हो चुका है Realme Buds Air 5 के वीडियो को बनाने में, लेकिन हम लोग क्या अपने स्टूडियो की शिफ्टिंग कर चुके हैं, नए स्टूडियो में हम लोग आ चुके हैं फाइनली। और नए स्टूडियो में जो हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, अब से डबल हैवी तरीके से टेस्टिंग करेंगे, डिटेलिंग में और ज़्यादा फोकस डालेंगे। आप वीडियोज़ में डिटेलिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अभी मैं ना यहाँ पर थोड़ा रोड साइड कंडीशन में आ गया हूँ, बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा हूँ, हाईवे रोड है। हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे 3 साल बाद अपने स्टूडियो को चेंज किया है, पूरा कंप्लीट सेटअप हम चेंज कर चुके हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? कुछ इम्प्रोवाइजेशन करनी है भैया? आपका ही सेटअप है, मेरा सेटअप नहीं है, आपका ही स्टूडियो ही है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या क्या हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग फाइनली काफ़ी टाइम बाद Realme Buds Air 5 को रिव्यू कर रहे हैं। इसका प्राइसिंग नॉर्मल डेज पे 3800 रुपीज़ के आसपास है। मैंने इनको फ्लिपकार्ट की BBD सेल से परचेज किया हुआ है, 3000 रुपीज़ के आसपास। भर भर के आपको फीचर्स मिलने वाले, आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। 6 माइक्स का सेटअप है ENC टेक्नोलॉजी के साथ, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, गेमिंग मोड मिलने वाला है। फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं, उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि नहीं, वो हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे डबल हैवी टेस्टिंग करके, ताकि आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, वीडियो के एंड तक सारी आप डिटेलिंग देख लीजिए, टेस्टिंग देख लीजिए, फिर आराम से डिसाइड कीजिए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कर लेते हैं सबसे पहले शुरुआत अनबॉक्सिंग के साथ हमेशा की तरह। तो यहां पर आपको Realme Buds Air 5 True Wireless Earbuds का ऐसे बिल्कुल आपको कॉम्पैक्ट सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से। करते हैं क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। वारंटी भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं इसी के थ्रू ही। एक छोटी सी लेंथ की आपको टाइप सी केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और बात कर लेंगे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसे ओवल शेप का कॉम्पैक्ट सा ही पूरा बोल सकते हैं, प्रीमियमनेस काफी बढ़िया दी गई है। मैट फिनिश का केस दिया गया है, ग्लॉसनेस के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है। फ्रंट में आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे आपको एक टाइप सी का पोर्ट और यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन मिल जाएगा। और ये काफी कॉम्पैक्ट केस है, इसको आप आराम से पॉकेट में कैरी करते हैं, पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी मुझे। और जो केस की बिल्ड है वो भी आपको काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी, प्लास्टिक क्वालिटी जो यूज की गई है सही आपको मिलने वाली है। और केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स यहाँ पे प्रॉपरली पैक्ड है, और इसमें आपको मिलने वाले हैं मैग्नेट्स, ईयरबड्स बिल्कुल नहीं गिरते केस के अंदर से। और जो केस का लॉक है वो भी आपको काफी प्रॉमिसिंग मिलने वाला है, कभी कभी बंद हो जाएगा अगर आप यहाँ पे थोड़ा जोर लगाएंगे तो, लेकिन आपको काफी प्रॉमिसिंग लॉक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हिंजेस है हल्के फुल्के, मुझे लगा हल्के फुल्के जो हिंजेस है थोड़ा ऐसे से हल्के हल्के हिल रहे हैं, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। और इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप केस को ओपन करेंगे तो क्विकली ये लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन फटाफट स्टैब्लिश कर देगा। इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है, केस को आप बंद कर देंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसकनेक्शन भी हो जाएगा। इसका IWP फीचर सही तरीके से वर्क करता है। और बड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम शेप के, पूरे आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली है बड्स में, ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। बिल्ड आपको यहाँ पे सही मिल जाएगी, इसके बिल्ड को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशनड है, लेकिन पूरी आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली, थोड़े बहुत स्क्रैचेस लगने के चांसेस, उसको आप केयरफुली यूज कीजिएगा। फिटिंग की बात करेंगे, अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे, फिटिंग को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। आपके कानों का साइज कैसा भी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे फिटिंग आपको सही मिलने वाली है, और मैंने काफी कोशिश की हुई है। एक्टिविटीज आप कर लीजिए, वर्कआउट्स के टाइम भी कानों से नहीं गिरेंगे, सिक्योर आपको फिट मिल जाएगा, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और इसमें आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन का सपोर्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक नजर डालते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो इसमें आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 12.4 mm के आपको टाइटेनाइज्ड बेस बूस्टेड ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयरिंग, 6 माइक्स का सेटअप एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, गेमिंग मोड मिलने वाला है, ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 7 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, डिपेंड करता है ANC मोड पे, ANC के साथ म्यूजिक सुनेंगे, थोड़ी कम बैटरी लाइफ मिलेगी, बिना ANC के म्यूजिक सुनेंगे आपको ठीक ठाक बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और लगभग आप ईयरबड्स को 3 से 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग आपको 6 से 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस ईयरबड्स। फीचर्स चेक, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, फीचर्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, इसमें आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है,
जैसे आप कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर आपको जो बड्स की बैटरी परसेंटेज और केस की बैटरी परसेंटेज यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे, नॉर्मल मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड। नॉइस कैंसिलेशन में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं यहाँ पे। इसमें आपको माइल्ड का ऑप्शन, मॉडरेट, मैक्स नॉइस कैंसिलेशन, स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन में ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड की एक्टिविटीज है उस हिसाब से एडजस्ट करके जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है एक्टिवेट होता रहेगा, बैकग्राउंड की नॉइस काफी तक कैंसिल करता रहेगा। और इसके ANC मोड की बात करेंगे, ANC मोड मुझे काफी तक सही लगा। अगर आप ANC मोड ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड की नॉइस आप बोल सकते हैं बैकग्राउंड की धूल की आवाजें 90% तक कैंसिल हो जाएंगी। सामने आपके कोई तेज तरीके से बोलेगा आपको हल्का हल्का सुनाई देगा। म्यूजिक सुनते टाइम अगर आप ANC मोड ऑन करके सुनेंगे बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके ANC मोड को लेकर मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। 50 डेसिबल्स जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर क्लेम किया गया है सही तरीके से वर्क करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी सही तरीके से वर्क करता है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से भी। यहाँ पे आप इनहेंस वॉइस का ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो आवाज है बैकग्राउंड की काफी तक फोकस डालेगा, कोई बोल रहा है तो आपको उस पर फोकस डालना है। एक्टिविटीज काफी तक कैच कर लेगा बैकग्राउंड की। ट्रांसपेरेंसी मोड को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसमें आपको स्मार्ट डीविन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में जो मल्टीपल प्रीसेट्स दिए गए इसमें वो क्लियर वोकल्स का ऑप्शन, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस, बेस बूस्टेड, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपका आउटपुट कैसा चाहिए। प्रॉपर तरीके से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया म्यूजिक पार्ट को लेके। डायनेमिक बेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लेवल सेट कर सकते हैं आपको बेस इफेक्ट्स कितने चाहिए, आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कितने आपको डेपनेस चाहिए बेस पार्ट को लेके। वॉल्यूम एनहांसर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम पे एनहांसमेंट चाहिए यहां से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है प्रॉपर तरीके से आप कस्टमाइज करके आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स कैसे चाहिए डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। गेमिंग मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप ईयरबड्स की फिटिंग टेस्ट कर सकते हैं आप कानों में कैसे प्रॉपर तरीके से फिटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बटन सेटिंग्स में आप जाएंगे जो टच कंट्रोल से डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या एक्जैक्टली हो आप कस्टमाइज कर सकते हैं बटन कंट्रोल्स को, टच कंट्रोल्स को, ये भी एक प्लस पॉइंट दी गई है। और यहां पर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑटो प्ले पास का ऑप्शन है इसका इनेट डिटेक्शन फीचर जो दिया गया है, इसका इनेट डिटेक्शन फीचर मुझे यहाँ पे डिसेंट तरीके से वर्क किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को कानों से बाहर निकाल देंगे म्यूजिक पॉज तो हो जाएगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन मैंने कानों में वापस लगाया तो कभी कभी म्यूजिक प्ले हो रहा था, कभी कभी नहीं हो रहा था, मेरे को मैन्युअली प्ले करना पड़ा था। तो इनेट डिटेक्शन फीचर को लेकर मेरे को लगा थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्रोवाइजेशन होनी चाहिए थी। इसमें आपको ऑटो आंसर कॉल का भी ऑप्शन दिया गया, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मल्टीपल आपको सेटिंग्स मिलने वाली, एप्लीकेशन काफी यूजफुल, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी क्लेम की गई है, आप देख लीजिए BGMI का गेम टेस्ट। जो लेटेंसी क्लेम की है बिल्कुल जस्टिफाइड लगी मुझे, मुझे ऐसा कोई लेटेंसी ज्यादा फील नहीं हो रही थी। स्टूडियो सेपरेशन आपको बढ़िया मिलने वाला है, इनऑडियो एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल लाउड और क्लियर मिल जाएगा। इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए भी ऑप्शन में रख सकते हैं, गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा पर्टिकुलरली। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 12.4 mm के इसमें आपको टाइटनाइज बेस बूस्टेड ड्राइवर्स दिए गए हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट है। और एप्लीकेशन से आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करके आउटपुट परफेक्ट आपको मिल जाएगा। आपको वोकल से फोकस जाना है आप क्लियर वोकल्स पे सुन सकते हैं, आपको बेस कैसा चाहिए इसका म्यूजिक और बेस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। आपको वोकल्स पे फोकस डालना है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आपको क्लियर सुनने हैं, ट्रेवल्स आपको कैसे चाहिए, बेस आपको कैसे चाहिए, एनहांसमेंट कर सकते हैं। और जो डायनेमिक बेस का ऑप्शन दिया गया साथ आपको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगी, आपको डेपनेस पता चलती रहेगी बेस पार्ट को लेकर। म्यूजिक और बेस आपको बढ़िया मिलने वाला है, आप हार्ड कोर म्यूजिक लवर है आपको लाउडनेस से क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप बेस लवर भी प्रॉपर आपको बूस्टेड कानों में धमधम करने वाली फीलिंग चाहिए, दोनों पर्पज के लिए इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। म्यूजिक और बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा मुझे यहाँ पे। और इसमें आपको थोड़ा बहुत बोल सकते हैं साउंड लीकेज का इशू देखने को मिल सकता है, अगर आप फैन के नीचे बैठे हुए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, साइड में जो बैठा हुआ नहीं बता पाएगा। लेकिन आप बिल्कुल शांति में बैठे हुए हैं, अगर आप 70% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको साउंड लीकेज का इशू देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको 6 माइक्स का सेटअप दिया गया है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको दो तरीके से कॉलिंग दिखाएंगे, एक नॉर्मल कंडीशन में और एक आउटडोर हैवी ट्रैफिक कंडीशन में। आप हमारा देखिए हैवी DRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बेबी को भी जस्ट स्कूल से लेकर आई हूँ। आ गई स्कूल से बिटिया? हाँ बढ़िया। अरे अभी मैंने यहाँ पे Realme Buds Air 5 ईयरबड्स परचेज किए हुए हैं, तो उसका मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ। दो तरीके से कॉलिंग करेंगे अब हम, क्या फिलहाल मैं थोड़ा मतलब टेरिस पे खड़ा हूँ, थोड़ा नॉर्मल कंडीशन है, ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं हो रही है। फिर मैं थोड़ा रोड साइड कंडीशन में करूंगा, तो अभी थोड़ा यहाँ पे टेरिस पे खड़ा हूँ तो मेरी आवाज तो कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? ईयरबड्स के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है हल्का फुल्का, उनकी आवाज तो मैं आ रही है बैकग्राउंड में? नहीं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज अभी फोकस हो सकती है एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से? अभी तो 90% तक फोकस्ड है। इतना अच्छे से फोकस? हाँ। अब मैं तुम्हें थोड़ा आउटडोर कंडीशन बताऊँ, रोड साइड पे बताना कैसी कॉलिंग है।
हाँ हाँ दीक्षा, हाँ अभी मैं यहाँ पर थोड़ा रोड साइड कंडीशन में आ गया हूँ, बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा हूँ। हाईवे रोड है, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो हाँ मैं उसी एयरबड से बातचीत कर रहा हूँ। अब तो मैं कंफर्टेबली, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आउटडोर कंडीशन के हिसाब से? हाँ आवाज़ तो अभी भी तुम्हारी अच्छे समझ में आ रही है, लाउडनेस अभी भी मतलब अच्छी है, हाँ बस मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड की जो एक्टिविटी है वो कैच हो रही है, मतलब गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो मेरी लेकिन आवाज से कितना परसेंटेज मतलब फोकस हो सकती है अभी आउटडोर कंडीशन के हिसाब से, हैवी ट्रैफिक के हिसाब से? अभी भी फिर भी 80% तक फोकस्ड है। है इतना अच्छा फोकस? हाँ अच्छे से, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटी पता चल रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ अच्छे से फोकस्ड है, लाउडनेस अच्छी है, इसलिए मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ बाय। दोनों तरीके की कॉलिंग टेस्ट देखिए, आपको अंदाजा लग गया होगा कि नॉर्मल कंडीशन में, इंडोर कंडीशन में कैसी कॉलिंग मिलने वाली है, हैवी ट्रैफिक में कैसी कॉलिंग मिलने वाली। इसी कॉलिंग आपको काफी बढ़िया मिलने वाली, कॉलिंग को लेकर दिक्कत नहीं लगी। हैवी ट्रैफिक कंडीशन में मेरी आवाज़ से प्रॉपर तरीके से फोकस था, इसको आप डेफिनेटली बढ़िया कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। रेटिंग्स करेंगे अब हम, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, ANC मोड को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को भी दूंगा 9 out of 10, और मैं इसके ANC फीचर को भी दूंगा 9 out of 10। दीज आर रेटिंग्स टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, 3000 रुपये जो कि मैंने इसको BBD में सेल में परचेज किया है। नॉर्मल डेज इसका प्राइसिंग 37-38 रुपीज के आसपास है। अगर ये 3000-3200 रुपये के आपको मिलते हैं, बिल्कुल ये डेफिनेटली जस्टिफाई करते हैं, आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉलिंग आपको परफेक्ट मिल जाएगी, गेमिंग आपको सही मिलने वाली, ANC मोड सही तरीके से वर्क करता है, एप्लीकेशन का सपोर्ट भी सही तरीके से वर्क करता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ही थम्स अप, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, वन ऑफ द प्रीमियम ईयरबड्स हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक्स्ट्रा ही जस्टिफाई करते हैं। मैंने पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रियलमी बड्स एयर 5 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।